हेलो एवरीवन, टीचिंग जॉब समर चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चैनल पे डेली बेसिस पे जितना भी टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है उसका मैं डेली अपडेट देता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। एंड हम लोग का एक फेसबुक एंड टेलीग्राम चैनल का भी ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, वहाँ पर आप लोग इजीली ज्वाइन हो सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट। आज का जो वैकेंसी है वो है हम लोग का NCERT की तरफ से है, बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट आया है। यहाँ पे सैलरी बहुत ही अच्छा प्रोवाइडेड हो जा रहा है। एंड एनी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पे नो फी, मतलब आप लोग अप्लाई करने के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बाकी तो ये हम लोग का नया वेबसाइट है NCERT की तरफ से। इफ ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो एकदम लास्ट अनाउंसमेंट सेक्शन में आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा बाकी डिटेल्स। PDF में सभी डिटेल्स बता दूंगा यहाँ पे क्या क्या है कि नहीं। यहाँ पे देखिए आप लोग वैकेंसी में अगर जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रहेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ CIET NCERT। तो ये वाला ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है तो आप लोग को एक PDF ओपन हो जाएगा। इस PDF में ऑल नोटिफिकेशन है, जितना भी आप लोग को रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट बेसिस पे। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट फॉर द CIET 2021, मतलब ये आप लोग का जो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो वाला। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या क्या है, सीनियर टेक्निकल, उसके बाद है हम लोग का टेक्निकल कंसल्टेंट, देन हम लोग का है डेटा साइंस स्पेशलिस्ट, उसके बाद डेटा एनालिसिस मतलब डेटा, उसके बाद मोबाइल ऐप स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट। दोस्तों देखिए टोटल 9 वैकेंसी है यहाँ पे, हर एक पोस्ट के लिए 1, 2, 3 ऐसा करते करते वैकेंसीज है। तो सभी का आप लोग का क्वालिफिकेशन देख लीजिए कि फर्स्ट जो है हम लोग का क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का जो ये वाला जो है सीनियर टेक्निकल है उसमें लिए आप लोग का मिनिमम मास्टर डिग्री होना चाहिए विद द मिनिमम 55 नंबर्स एंड 5 to 7 ईयर्स आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस क्राइटेरिया बता दिया है क्या क्या है। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पे भी देख लीजिए टेक्निकल कंसल्टेंट में आप लोग को मिनिमम मास्टर डिग्री होना चाहिए विद द 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। उसके बाद डेटा साइंस एनालिस्ट के लिए आप लोगों को भी यहाँ पे मास्टर डिग्री विद 55% एंड और आप लोग को अगर बैचलर डिग्री, दैट मींस आप लोग का अगर ग्रेजुएशन है एनी कंप्यूटर डिग्री में आप लोग इजीली अप्लाई कर सकेंगे। एक्सपीरियंस भी मिनिमम 3 इयर्स मांगा है, यहाँ पे डेटा एनालिसिस मांगा है, देखिए यहाँ पे 55% बोला गया है। उसके बाद MySQL मतलब जो डेटाबेस हैंडलिंग अगर आप लोग को अच्छे तरीके से आता है तो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद मोबाइल ऐप्स मतलब एंड्रॉयड गेम्स जितना भी होता है एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए अगर आप लोग को एक्सपीरियंस है एंड आप लोग का बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री कुछ भी अगर डिग्री हो सकता है तो आप लोग विथ 55 नंबर से आप लोग इजीली अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद देखिए सोशल मीडिया मैनेजर, इसके लिए आप लोग को मिनिमम मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस, जैसे आप लोग का फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, LinkedIn, WhatsApp, तो इसलिए आप लोगों को हैंडलिंग करना है आप लोगों को। उसके बाद ग्राफिक्स डिज़ाइनर के लिए सेम एक ही है सब कुछ। उसके बाद अकाउंटेंट भी है, आप लोगों को मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, उसके बाद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए सबसे अच्छी जो है यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा है, ग्रेजुएशन अब मतलब कोई भी अगर डिग्री से आप लोग ग्रेजुएशन कर ले तो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाकी सब डिटेल्स आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट, यहाँ पे देखिए आप लोग लिखा हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन रिक्वायर टू अप्लाई थ्रू द गूगल लिंक फ्रॉम दिस लिंक, मतलब आप लोग को ये लिंक में क्लिक करने के बाद आप लोग के गूगल फॉर्म आ जाएगा, उस लिंक को आप लोग क्लिक करने के सब वहाँ पे ऑल डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप लोग को सबमिट कर देना विद इन ये डेट, सब लोग याद रखिए 23 जून, इस डेट का पहले आप लोग को अपलोड कर देना है। उसके बाद आप लोग को अगर जिन लोग सिलेक्शन हो जाएंगे उन लोग का एक इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू के बेसिस में हम लोग को चलेगा कि कौन कौन अप्लाई हो चुके हैं। उसके बाद फेस टू फेस एक ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन होगा। एंड ये सब हम लोग का कुछ आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप लोग क्या क्या कर सकेंगे या फिर क्या क्या कर पाएंगे वही है आप लोग का। ज़्यादा डिटेल्स मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग ये डिटेल्स डाउनलोड कर लीजिएगा। ये PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इजीली देख पाएंगे। सो
यही आज का जो वैकेंसीज था एनसीईआरटी का तरफ से आया है। इसका पोस्टिंग कहाँ पे होगा यहाँ तक अभी तक पूरा प्रॉपरली पता नहीं है मुझे, लेकिन लोकेशन आई थिंक दिल्ली में हो सकता है या फिर इसका जो हेड ऑफिस है वहाँ पे आई थिंक हो सकता है। तो आप लोग कृपया अप्लाई कर दीजिए एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। मैं इस चैनल पर डेली अपलोड करता हूँ, सो वन सब्सक्राइब आप लोग सभी लोग कर लीजिए एक एंड एक लाइक कर दीजिए फॉर माई मोटिवेशंस। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस टू एवरीवन। थैंक यू।